जबलपुर से है, जहां जुम्मे के दिन शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के वक्त बिजली बंद होने से मुस्लिम समाज नाराज। मुस्लिम समाज का आरोप है कि जुम्मे के दिन जानबूझकर बिजली बंद की जा रही। जबलपुर में कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के वक्त बिजली बंद हो गई। मुस्लिम समाज का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी निश्चित दिन पर बिजली बंद हो रही है। उन्होंने कहा जिम्मेदारों को बार बार शिकायत की गई है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुस्लिम समाज का कहना है कि वह भी भारत के नागरिक हैं और टैक्स अदा करते हैं और देश के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि किसी साजिश के तहत शुक्रवार के जुम्मे के दिन मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर बिजली बंद की जा रही है। इसके विरोध में मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपा है और शुक्रवार को जुम्मे के दिन बिजली बंद होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। क्षेत्र में पिछले 3 महीने से खास जुमा के दिन जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं उसी दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जानबूझ कर लाइट गोल करी जाती है। जब कंप्लेन जाती है तो बोलते हैं भैया पावर नहीं मिल रहा है। हम लोग आप लोग से बोलना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, कल जुमा है, अगर कल लाइट गोल होती है या आधा समय लाइट गोल होती है तो हम लोग बड़ा ऑपरेशन करेंगे। इसके साथ साथ पूरे मुस्लिम क्षेत्र जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर लाइट गोल और भी होती है, डेली होती है, जुमा के बाद नहीं और भी डेली होती है, तो अन्यथा लाइट गोल नहीं करी जाए क्योंकि हम भी यहाँ हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भी यहाँ वोट देते हैं, हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, हम लोग भी बिल देते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं हमारी आस्था के जुमा को नमाज पढ़ते हैं, पूरी फैमिली नहा धोती है, कारोबार से आते हैं, उस दिन खासकर जुमा के दिन 11 बजे से 3 बजे तक लाइट गोल ना हो। अभी अधिकारी ने आपसे बोला तो आप लोग क्या चाहते हैं? अधिकारी से हम लोग बोला, अधिकारी जी बोले हैं कि वो लाइट थोड़ा डाउन रहती है, हम लोग चाहते हैं ट्रांसफर बढ़ाई जाए, एक लगाओ दो लगाओ चार लगाओ से मतलब नहीं है। इसके बाद एक हफ्ते तक और अभी ज्ञापन देंगे, नेक्स्ट हफ्ते तक ज्ञापन देंगे, मध्य विधायक को ज्ञापन देंगे, उनको नकल भैया को सांसद जी ज्ञापन देंगे क्योंकि हमने उनको वोट दिया है, उनको जो मुद्दा हमारा नाम तारिश मानी। वहाँ पर चांदनी चौक पसियाना जो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर 9 से 1 के बीच शुक्रवार को ही अचानक लोड बढ़ रहा है, बाकी दिन ऐसी समस्या नहीं रहती, लोड बढ़ता है उस दिन भी लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि अपन मैनेज ना कर पाएँ, और उस दिन ऐसा लोड बढ़ता है कि मतलब कि 11 के भी जो हमारी बड़ी लाइन कहलाती है उसमें तार टूटने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अपन उसको तार टूटे ना इस कारण से सप्लाई बंद करनी पड़ी 10-15 मिनट के लिए। प्रयास करेंगे आप लोग? हाँ प्रयास, यहाँ से हमारा एस्टीमेट बना हुआ है 10 खंभे की लाइन वहाँ एक्स्ट्रा खड़ी होनी है, एक ट्रांसफार्मर लगना 8 MVA का, इसके बाद ये लग जाएगा तो इसके बाद सप्लाई मैनेज हो जाएगी। सर आपका सुनना, मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा, जूनियर इंजीनियर मेंटेनेंस। जबलपुर से आशीष वाचक की रिपोर्ट।